हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का एक बार एक्साइट कंप्यूटर सेंटर में फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग फंक्शन लाइब्रेरी में लॉजिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लॉजिकल के बारे में आज हम लोग क्लियर करते हैं सारे पॉइंट्स। जैसा कि आप लोग के सामने आप लोग देख रहे होंगे कि लॉजिकल फंक्शन में थ्री टाइप्स के लॉजिकल फंक्शन होते हैं, एंड, और, नॉट। तो सबसे पहले हम लोग एंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एंड फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता क्या है, एंड के बारे में समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे दो कंडीशन है, एक नेम और दूसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है नेम, सेकंड कंडीशन है एज। तो इसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। तो एंड का यूज एक्सेल में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन हमारी मैच करती हैं तब हमारा रिजल्ट आता है ट्रू, और जो दोनों कंडीशन में कोई एक मैच ना करे या दोनों मैच नहीं करते हैं तब कंडीशन हमारा रिजल्ट जो आता है वो आता है फॉल्स। फिर से समझिएगा, जब दोनों कंडीशन मैच करें, सपोज दैट रवि बराबर रवि, 35 बराबर 35, मतलब रवि इक्वल टू रवि, 35 इक्वल टू 35, जब हमारे दोनों कंडीशन मैच करें तब हमारा रिजल्ट आएगा एंड में ट्रू। अगर दोनों रिजल्ट में से कोई एक मैच नहीं कर रहा है या फिर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग सबसे पहले लगाएंगे इक्वल एंड। अच्छा, आप लोग कोई स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जब भी कोई फार्मूला यूज होता है, लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप लोग को कि जब भी कोई फार्मूला यूज होता है तो इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है एक्सेल में, और इक्वल अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो आपका फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा, एरर आ जाएगी उसमें। तो हमने यहाँ पर लगाया इक्वल एंड ब्रैकेट लॉजिकल वन, सपोज दैट लॉजिक वन रवि, रवि पे क्लिक किया, इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा, रवि इक्वल रवि, आर ए वी आई रवि, दोनों की स्पेलिंग सेम है, रवि रवि इक्वल रवि, परफेक्ट। डबल कॉमा बिगेन है, डबल कॉमा क्लोज, देन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, नेक्स्ट एज, रवि की एज क्या है, 35, 35। अब हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया, सपोज दैट 35 लगाया, ग्रेटर देन लगाया, हमने लगाया 30। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? इट मीन्स रवि बराबर रवि और रवि की जो एज हो 30 से अबव हो, 30 से अबव, 30 ग्रेटर देन लगा ना, 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा, तो 30 से ज़्यादा तो है ही, और रवि बराबर रवि, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, दोनों कंडीशन सही है क्योंकि रवि बराबर रवि और एज 30 अबव, 30 इज ग्रेटर देन 35, तो करेक्ट है ये भी रिजल्ट, तो आंसर हमारा आएगा ट्रू, करेक्ट, ट्रू आंसर आया। दूसरा कंडीशन हम लोग लगाते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन आपकी मैच हुई, दूसरी कंडीशन में फिर से हम लगाते हैं इक्वल टू एंड ब्रैकेट रवि इक्वल डबल्ड कॉमा आर ई वी आई। अब आप यहाँ पे देखिए रवि बराबर रेवी, मैंने एक कंडीशन यहाँ पे गलत की, कौन सी कंडीशन, नेम की कंडीशन मैंने क्या कर दिया, गलत कर दिया, और यहाँ पे फिर से मैंने दूसरी कंडीशन एज पे क्लिक किया, और एज पे क्लिक करने के बाद हमने ग्रेटर देन दिया, सपोज दैट 30, 30 इज ग्रेटर देन 35, करेक्ट है दूसरी कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज, पहली कंडीशन आपकी रॉन्ग है, दूसरी कंडीशन आपकी सही है। तो मैंने अभी आप लोग को एंड में बताया आप लोग को स्टूडेंट्स कि जब दोनों कंडीशन मैच होती है तब हमारा रिजल्ट आता है एंड में ट्रू, जब दो में से कोई एक मैच नहीं करती है, ये मैच नहीं कर रहा तो आंसर हमारा आएगा फॉल्स, और एक मैच कर रहा है एक नहीं मैच कर रहा है, दो में से कोई एक मैच नहीं करेगा तो भी फॉल्स आएगा, इन केस अगर दोनों मैच नहीं करें तो भी हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन रवि पे हमने क्लिक किया, इक्वल टू डबल कॉमा रवि, अब देखिए कंडीशन हमारी रॉन्ग है, ओके एज ग्रेटर देन 36। अब मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, मतलब ये जो है 36 से उसकी एज ज़्यादा है, नहीं रॉन्ग है, कम है, क्योंकि रवि केस 35, 36 से अब नहीं है, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग, ये भी कंडीशन, जब दोनों कंडीशन रॉन्ग होंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, दैट्स क्लियर। तो चलिए ये आपका हो गया एंड, और अब हम क्लियर करते हैं और के बारे में। और में देखिए क्या है, और का भी डेफिनेशन समझ लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जब दोनों कंडीशन आपकी मैच होगी, ओके जब दोनों कंडीशन आपकी मैच होगी तो ट्रू आएगा, और दो में से कोई एक कंडीशन मैच कर रहा है तो भी ट्रू आएगा।
तो और में क्या है कि जब दोनों कंडीशन मैच नहीं करेंगी तब कंडीशन रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। अगर दोनों कंडीशन हमारी मैच नहीं करेंगी तब हमारा रिजल्ट और में फॉल्स आएगा। और दो में से अगर कोई एक मैच कर रहा है तो भी रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, और दोनों मैच कर रहे हैं तो भी रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। चलिए हम लोग और के बारे में अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन, और हमने क्या किया रवि पे क्लिक किया, इक्वल टू डबल कॉमा रवि, स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं इसमें याद रखिएगा, और सिंगल कॉमा। एक कंडीशन आप देख रहे होंगे करेक्ट है आपकी पहली कंडीशन। चलिए दूसरे में देखते हैं, हमने एज में पहले हम क्या करते हैं दोनों कंडीशन सही करते हैं, ग्रेटर देन हमने दे दिया 30, ब्रैकेट क्लोज एंटर, कंडीशन दोनों सेम है तो रिजल्ट आया हमारा ट्रू। दो में से कोई एक कंडीशन हमारी सेम होगी तो भी रिजल्ट हमारा आएगा ट्रू। मैंने बताया और के डेफिनेशन में इक्वल और ब्रैकेट रवि इक्वल टू डबल कॉमा रेवी, ये मैंने गलत कर दिया, डबल कॉम क्लोज, फिर सिंगल कॉमा, रवि की एज पे क्लिक किया, ग्रेटर देन हमने दे दिया 45, ये सॉरी 35, ब्रैकेट क्लोज। मैंने कंडीशन यहाँ पे दिया रवि बराबर रेवी, पहली कंडीशन रॉन्ग, दूसरी कंडीशन हमने दिया 35 से अबव हो उसकी एज, किसकी एज सोनिया की एज हमारी 35 से अबव हो, मिस्टेक हो गया, सॉरी बच्चों, कोई नहीं, सोनिया बराबर सोनिया, दूसरे का देखना है, दूसरे का देख लेते हैं, सोनिया बराबर नेहा कर देते हैं। एक कंडीशन हमारी ये रॉन्ग और ये राइट, तो आंसर क्या आएगा ट्रू, क्योंकि मैंने बताया और मैं आपको कि दो में से कोई एक कंडीशन मैच करेगी तो भी हमारा क्या आएगा ट्रू आएगा। अब दोनों रॉन्ग करते हैं, तीसरा प्रेम में आते हैं, इसमें क्या है मैंने सब रवि में ही क्लियर करा दिया, अब इसमें तीनों में अलग अलग क्लियर कराऊंगा। इक्वल और ब्रैकेट प्रेम बराबर डबल कॉमा, प्रेम की जगह हमने कर दिया परम, सिंगल कॉमा, एज 26 है, ग्रेटर देन 30। अब आप देखिए यहाँ दोनों कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई, नेम में भी रॉन्ग और एज में भी रॉन्ग, तो कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या आ गई फॉल्स है क्योंकि दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही है। और मैंने आपको बताया है कि जब एक कंडीशन मैच हो तो भी हमारा ट्रू आएगा रिजल्ट, जब दोनों कंडीशन मैच हो तो भी रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, दो में से दोनों रिजल्ट मैच ना हो, दोनों कंडीशन सॉरी मैच ना हो तब हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। एंड में क्या होता है जब दोनों हमारे मैच होते हैं तभी आपका ट्रू आएगा, दो में से कोई एक मैच नहीं करेगा तो भी फॉल्स आएगा, दो में से दोनों मैच नहीं करेंगे तो भी फॉल्स आएंगे, और में क्या है आपका, और में आपका क्या है दोनों मैच करेंगे तो भी ट्रू आएगा, एक मैच करेगा तो भी ट्रू आएगा, और अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं करेगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स आएगा। तो अब हम लोग क्लियर करेंगे आगे नॉट के बारे में। ओके, नॉट में क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉट में आपका जो रिजल्ट होता है अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो वो फॉल्स शो करेगा और जो फॉल्स है वो ट्रू शो करेगा। चलिए हम यहाँ पे नॉर्मल सिंपल सा इस बार एक सिंगल कंडीशन बनाते हैं, इक्वल नॉट ब्रैकेट, चलिए एज पे डिपेंड रहते हैं, सपोज दैट 35 ग्रेटर देन 25। अब आप बताइए कंडीशन सही है रॉन्ग है राइट है, अब आप कंडीशन ये आपकी राइट है क्योंकि 25 से अब है ये वैल्यू तो रिजल्ट हमारा ट्रू है, आंसर हमारा ट्रू है, लेकिन नॉट में आंसर ट्रू है तो फॉल्स दिखाएगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू दिखाएगा, मैंने डेफिनेशन में पहले बताया आप लोग को। तो ये हमारा रिजल्ट क्या था ट्रू था, इसीलिए क्या दिखाया इसने फॉल्स दिखाया। अब हम लोग फॉल्स पे चलते हैं, इक्वल चलिए एज पे ही आते हैं, नॉट ब्रैकेट और क्लिक किया हमने वैल्यू पे, सपोज दैट 40 पे दूसरा चेक करते हैं, और ग्रेटर देन हमने दे दिया और यहाँ पे 45 दे दिया, हमने ये कंडीशन बना कि 45 से ये वैल्यू बड़ी है, बड़ी है नहीं बड़ी है, रिजल्ट हमारा गलत है, मतलब बड़ी नहीं है गलत है, तो अगर गलत है रॉन्ग है तो ये क्या आएगा ट्रू आएगा। नॉट में क्या होता है अगर आपका रिजल्ट सही है तो फॉल्स आएगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा। ओके, तो ये आपके लॉजिकल के बारे में क्लियर हो गया, जो एंड और नॉट तीन गेट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में।
ओके स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लॉजिकल फंक्शन सीखे हैं। कल हम लोग को नेक्स्ट वीडियो जब आपका अपलोड होगा यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट आएगा आपका जब, तो फार्मूला मैं आप लोग को फाइनेंशियल के बारे में क्लियर कराऊंगा। फाइनेंशियल अच्छा ऑप्शन है, आज नहीं क्लियर करा पाया लेकिन नेक्स्ट वीडियो में 100% श्योर फाइनेंशियल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्लियर कराऊंगा जो बैंक से रिलेटेड है। बैंक से रिलेटेड है लोन लेना, लोन देना, PF जो आपका पर्सनल फंड होता है, RD होती है, FD होती है, फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो आप लोग RD वगैरह ओपन कराते हैं, इन सब का कैसे बैलेंस हम लोग मेंटेन करके सब क्लियर कर सकते हैं। तो बैंक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग को समझ में आया हो, आपको अच्छी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच।